जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे SBI बैंक भर्ती 2024 के बारे में। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकली हुई नई रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पे वैकेंसी की लास्ट डेट 25 जून 2024 रहने वाली है। सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन है। खाली आपको फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद में मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, एक तरीके से मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। ध्यान रखना, आप रिसेंट में 12th क्लास पास होने चाहिए या फिर आपका रिजल्ट अवेटेड होना चाहिए, अगर आया नहीं है तो भी, और एग्जामिनेशन आपने एक तरीके से दे चुके हो और रिजल्ट आया नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए अच्छा मौका रहेगा, अगर आपने रिसेंट में फ्रेशर्स मतलब एक तरीके से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास की है, सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो आप। एक तरीके से आप शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के साथ में बने रहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकली हुई नई रिक्रूटमेंट के बारे में। यहां पे जो SBI की तरफ से रिक्रूटमेंट है 7521 पदों पे, इसमें 25 जून 2024 से पहले आप आवेदन कर सकते हो। यहां पे 25 जून इसकी डेट से, इसके अलावा क्लर्क MTS, रिस्क एनालिटिक और IT स्पेशलिस्ट की ये वैकेंसीज अवेलेबल है। यहां पे ध्यान रखना, ये जो वैकेंसी सारी बता रहा हूं, इसमें यहां पे 3000 के करीब क्लर्क की, MTS की 3500, वहीं रिस्क एनालिटिक की 400, यहां पे स्पेशलिस्ट IT की। तो ये सारी वैकेंसीज अवेलेबल रहेगी 25 जून 2024 से पहले। पूरा डिटेल यहां पे आप सैलरी देख सकते हो। सबसे पहले मैं सैलरी बता देता हूं। यहां पे अभी जो वर्तमान में क्लर्क को SBI में अगर आप रिक्रूट होते हो तो 24600 रुपए पर मंथ TAD अलाउंसेस जो भी होते हैं वो मिला के, ये मिनिमम सैलरी में बता रहा हूं, मैक्सिमम इससे ज्यादा भी हो सकती है। MTS की 22600, रिस्क एनालिटिक की 35500, वहीं 38000 के करीब IT स्पेशलिस्ट की वैकेंसी की सैलरी होती है। ये आप ध्यान रखना, अभी 8% वर्तमान में। रूरल और अर्बन एरियाज का यहाँ पे फर्क पड़ता है, 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार तक का फर्क पड़ जाता है, तो ये डिपेंड करता है आपकी ज्वाइनिंग कहाँ होती है। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है, अपकमिंग वैकेंसीज है SBI की तरफ से, जब भी लिंक एक्टिवेट होता है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, धन्यवाद दोस्तों। वैसे यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज जो मैंने बताई है अभी आपको, ये वैकेंसीज की डिटेल, शॉर्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो। जब भी ऑनलाइन फॉर्म एक्टिवेट होता है मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। धन्यवाद।